सीरीज ऑफ सिंप्लेक्स मेथड के 6 वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड का एक प्रॉब्लम बताऊंगा जिसमें से अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा। इसके पहले मैं सिंप्लेक्स मेथड का 5 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके आप सिंप्लेक्स मेथड के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, यानी कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन जरा समझिएगा कि मैक्सिमाइज करना है जेड इक्वल टू 8x2 को। इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसको मैक्सिमाइज करना और कंडीशन है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यहाँ पर है x1 - x2 > 0 और 2x1 + 3x2 < 6। यहाँ नीचे लिखा हुआ है x1 and x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई साइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आप सिंप्लेक्स मेथड में या LPP का सवाल में जानते हैं कि जो वेरिएबल होता है, जो अननोन होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है, वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि 3 पार्ट जो LPP का होता है, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है, और बीच में यहाँ जो कंडीशन होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन वाला, यानी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं। तो यहाँ नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये जो वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम लोग इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। सिंप्लेक्स मेथड के लिए तो जरूरी होता है कि जो वेरिएबल होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इसको नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही इसको हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन के लिए, कि ये जो वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है इन साइन में। तो हम लोग पुट करते हैं, जरा इसको समझिएगा, x1 को x1 - x1" ये पुट करते हैं। अब जरा समझिए x1 और x1" है क्या, ये दोनों पॉजिटिव होगा, x1 भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि वेयर x1 > 0 और x1 जो है ये भी > 0 होगा। दोनों हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव ले रहे हैं, जीरो भी हो सकता है। तो x1 और x1 नॉन नेगेटिव ले रहे हैं। अब जरा समझिए कि ये जो x1 और x1 - x1" है वो क्या हो सकता है। यहाँ पर लेना तो नॉन नेगेटिव है, इस दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, चाहे x1 बड़ा हो जाए x1 से या x1 बड़ा हो जाए x1 से, तो ये दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। सपोज कीजिए अगर x1 का वैल्यू यहाँ पर 10 ले लेते हैं और इसका वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 10 - 5 आ जाएगा। तो वैसे केस में x1 क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए इसका भी वैल्यू 5 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो x1 का वैल्यू 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। या आप इसका वैल्यू स्मॉलर ले लीजिए, इससे मान लीजिए इसका वैल्यू जो है वो 2 ले लेते हैं, तो 2 - 5 मतलब -3, यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब ये जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग x1 और x1 का वैल्यू हम लोग को नॉन नेगेटिव ही लेना है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x2 को भी हम लोग पुट करते हैं, x2 - x2" जहाँ पर x2 > 0 x2 > 0 होगा। तो हम लोग कंडीशन में, रिस्ट्रिक्शन में बदलने के लिए, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन में लाने के लिए जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा उसको इस तरीके से हम लोग सपोज कर लेंगे। अब इसमें से मान लीजिए अगर ये बड़ा रहे ये छोटा रहे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये छोटा रहे ये बड़ा रहे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वल रहे तो ये जीरो हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये तो सबसे पहले मैक्सिमम का सवाल है,
जो आप जानते हैं सिंप्लेक्स मेथड में जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं एलपीपी को, तो वो मैक्सिमाइजेशन का सवाल होना चाहिए, ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन का सवाल है, और बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो नॉन नेगेटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकेंड कंस्टेंट को लिखते हैं। द सेकेंड कंस्टेंट कैन बी रिटन एज, सेकेंड कंस्टेंट यहाँ पर हम लोग सेकेंड कंस्टेंट कैन बी रिटन एज हम लोग लिखते हैं ऐसे। देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो सेकेंड कंस्टेंट को ऐसे लिख लेंगे। अब हम लोग ये जो वेरिएबल को सपोज किए वो यहाँ पर पुट करते हैं, तो द गिवन एल पी पी कैन बी रिटन एज, हम लोग इस एल पी पी को कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे लिख रहे हैं कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, जेड को मैक्सिमाइज करना है, जहाँ एट एक्स टू है तो एक्स टू का वैल्यू हम लोग ये वाला सपोज किए हैं वो ही लिख जाते हैं, तो एक्स टू डैश माइनस एक्स टू डबल डैश, और उसके बाद जो कंडीशन था x1 माइनस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x1 के जगह यहाँ पर हम लोग सपोज किए कि x1 डैश माइनस x1 डबल डैश और फिर माइनस x2, तो x2 का वैल्यू x2 डैश माइनस x2 डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड कांस्टेंट को पहले हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं इस फॉर्म में, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि माइनस टू एक्स वन डैश, इसको हम लोग लिखे एक्स वन डैश माइनस एक्स वन डबल डैश माइनस थ्री एक्स टू डैश माइनस एक्स टू डबल डैश, इसको सपोज किए हुए हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, ये हो गया। और जहाँ पर नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हो गया एक्स वन डैश एक्स वन डबल डैश एक्स टू डैश और एक्स टू डबल डैश, ये सभी जो है वो नॉन नेगेटिव है। तो अब इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आपका नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस में भी आ गया है ये, तो अब हम लोग क्या करते हैं उसके बाद इसको इक्वलिटीज में बदलते हैं। तो इक्वलिटीज में बदलने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहता है, तो वहाँ पर हम लोग सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। तो यहाँ सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके फिर कैसे लिखते हैं जरा इसको देखिए। तो देखिए क्या लिख रहे हैं कि इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल एक्स थ्री एक्स फोर एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ए वन ए टू द गिवन एल पी पी बिकम्स, अब इस एल पी पी को कैसे लिख सकते हैं जरा समझिएगा कि मैक्सिमाइज करना है ये, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लेते हैं, तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं एट एक्स टू डैश माइनस एक्स टू डबल डैश था, ये एट एक्स टू डैश माइनस एट एक्स टू डबल डैश हो जाएगा। उसके बाद और भी कई वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, जैसे एक्स वन डबल डैश है, या इंट्रोड्यूसिंग यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं सरप्लस वेरिएबल एक्स थ्री एक्स फोर को, आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन ए टू को, तो क्या कर रहे हैं एक्स वन डैश यहाँ पर नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो एक्स वन डैश का कोएफिशिएंट को जीरो कर दीजिए, एक्स वन डबल डैश नहीं है वो जीरो कर देते हैं, और जो एट एक्स टू डैश है और एट माइनस एट एक्स टू डबल डैश है वो रहने दीजिए, फिर एक्स थ्री एक्स फोर का कोएफिशिएंट को जीरो कर देंगे। और यहाँ पर ये बिग एम मेथड से बना रहे हैं, तो बिग एम मेथड क्या है उसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो बिग एम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो वेरिएबल होता है A1 और A2, उसमें एक नेगेटिव लार्ज नेगेटिव प्राइस से हम लोग असाइन करते हैं, तो A1 का माइनस एम और A2 का माइनस एम यहाँ पर असाइन किया है। इसको आप समझने के लिए ज़रूर उस बिग एम मेथड को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, और जो कंस्टेंट है वो कंस्टेंट में क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो है वो तो हम लोग लिख जाते हैं कि देखिए आप x1 डैश माइनस x1 डबल डैश फिर माइनस x2 डैश फिर माइनस माइनस प्लस x2 डैश हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा x3, और जब सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते हैं a1 इक्वल टू जीरो। उसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख जाते हैं, ये पूरा वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग सरप्लस वेरिएबल x4 सब्ट्रैक्ट किए हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 ऐड किए हैं इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू सिक्स है यहाँ पर, तो ये सिक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग को इक्वलिटीज में बदलने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है उसको इक्वलिटीज में बदलने के लिए हम लोग सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम लोग ऐड किए हैं और सब्ट्रैक्ट किए हैं।
जहाँ पर जितना भी वेरिएबल है वो सभी अब नॉन नेगेटिव हो गया। यहाँ पर चार वेरिएबल था, चारों जो है नॉन नेगेटिव है। एक्स थ्री एक्स फोर जो है सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन ए टू ये सभी भी जो है वो नॉन नेगेटिव होता है। तो ये जितना भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम लोग बाकी सिंप्लेक्स मेथड का जो टेबल होता है उसी तरीके से बनाएंगे, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। जैसे आप देखिए स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं तो इसमें बेसिक वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ सी बी, यहाँ एक्स बी, यहाँ पर कोएफिशिएंट, तो सारा कोएफिशिएंट हम लोग लिख जाते हैं। देखिए एक्स वन डैश का कोएफिशिएंट जो है वो वन है, फिर माइनस वन है, फिर माइनस वन है, यहाँ वन है, आप देख रहे हैं माइनस वन है, फिर एक्स फोर नहीं है तो एक्स फोर का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, ए वन का वन है और ए टू नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट जीरो। उसी तरीके से ये माइनस टू टू, माइनस थ्री थ्री, और एक्स थ्री नहीं है जीरो, एक्स फोर का माइनस वन, ए वन नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए वन नहीं है तो उसका जीरो और ए टू का वन हो गया। तो ये हम लोग कोएफिशिएंट लिखिए। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स ये है, बेसिस मैट्रिक्स यही बनेगा, तो बेसिक वेरिएबल ए वन और ए टू हो जाएगा, तो बेसिक वेरिएबल यहाँ आ गया ए वन और ए टू। अब सी बी भी लिख जाइए, तो सी बी लिखने के पहले सी जे लिखिए, सी जे में सारा कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही है, तो इसमें एक्स वन डैश का कोएफिशिएंट है यहाँ पर जीरो, फिर एक्स वन डबल डैश का जीरो, यहाँ एक्स टू का एट है, ये माइनस एट है, वहाँ से हम लोग देख करके लिख रहे हैं जीरो जीरो, यहाँ पर माइनस एम है और यहाँ पर भी माइनस एम है ए वन और ए टू का। अब बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सी भी लिखते हैं, तो बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, माइनस एम और माइनस एम है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस एम और माइनस एम लिखेंगे। अब बेसिक वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, ये सभी जितना भी वेरिएबल है सभी को जीरो पुट करते हैं, तो ये सभी वेरिएबल को जीरो पुट करेंगे तो बेसिक वेरिएबल ए वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ए वन का वैल्यू जीरो हो गया। और ये सारे वेरिएबल को हम लोग जीरो पुट कर देंगे, नॉन बेसिक, ये सभी नॉन बेसिक कहलाता है, तो ये सभी को हम लोग जीरो पुट कर देंगे तो बेसिक वेरिएबल का वैल्यू ए टू का वैल्यू सिक्स हो जाएगा। तो ये बेसिक वेरिएबल का वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले इसमें, तो जेड का वैल्यू कैसे निकलता है, आपको पता है जेड का वैल्यू सी बी इंटू एक्स बी होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो यहाँ से आ रहा है ये जीरो हो जाएगा और ये माइनस सिक्स एम। अब इसके बाद ये बेसिक वेरिएबल का जो सॉल्यूशन निकला, मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकला, ये ऑप्टिमल है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग डेल्टा जे निकालते हैं। तो डेल्टा जे निकाल लेते हैं, देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये बीटा वन है, यूनिट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है वन जीरो बीटा वन, और ये जो है वो बीटा टू है, तो इसका तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ निकालने के लिए आपको पता है कि सी बी को एक्स वन डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस एम हो गया और ये माइनस माइनस प्लस टू एम हो गया, तो माइनस एम प्लस टू एम, प्लस एम और प्लस एम में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस एम आ रहा है। इसी तरीके से ये प्लस एम माइनस टू एम, माइनस एम आएगा जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस एम आ रहा है। यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस एम और प्लस थ्री एम, फोर एम, फोर एम में एट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर एम माइनस एट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस एम माइनस थ्री एम, माइनस फोर एम में फिर माइनस एट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एट माइनस आप फोर एम कह सकते हैं। यहाँ पर प्लस एम और ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस एम में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस एम, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये भी प्लस एम हो जाएगा, प्लस एम में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस एम। तो अब देखते हैं कि इसमें से आप ये देख रहे हैं एम जो है वो पॉजिटिव है, माइनस एम नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव है और ये एट माइनस फोर एम है, और ये तो खैर पॉजिटिव होगा क्योंकि 4m m वेरी लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ m जो है वेरी लार्ज है तो 8 में अगर वेरी लार्ज नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो ये दो नेगेटिव है, यानी कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये दोनों में से मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, ये माइनस एम और ये माइनस फोर एम है, निश्चित रूप से ये मोस्ट नेगेटिव होगा क्योंकि m वेरी लार्ज रखना है, तो एम मान लीजिए 1000 रखेंगे तो ये माइनस 1000 हुआ और यहाँ पर 8 माइनस 4000 हो जाएगा, तो ये जो है वो वेरी लार्ज हो गया, तो ये इनकमिंग वेक्टर होगा। अब इनकमिंग वेक्टर ये पता चल गया, अब आउटगोइंग क्या होगा, तो आउटगोइंग के लिए एक्स बी डिवाइडेड बाय जो इनकमिंग है, इनकमिंग कौन सा है, एक्स टू डबल डैश है, तो एक्स टू डबल डैश का निकालते हैं। तो आप देखिए एक्स बी और एक्स टू डबल डैश का मीन रेशियो निकालेंगे तो ये जीरो बाय वन आ रहा है, ये जीरो हो गया। अब देखिए एक्स बी में जीरो है और एक्स टू डबल डैश इनकमिंग है तो जीरो बाय वन जीरो हो गया और ये सिक्स बाय थ्री हो जाएगा, तो सिक्स बाय थ्री, तो ये टू आया, मिनिमम रेशियो ये है और मिनिमम रेशियो से आगे बढ़ेंगे और इनकमिंग वेक्टर से आगे बढ़ेंगे तो दोनों इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, ये की एलिमेंट हो जाएगा, और इससे आगे बढ़ेंगे तो A1 पर पहुँचेंगे तो A1 जो है वो आउटगोइंग होगा, ये जो है वो अब आउटगोइंग हो गया। ये पता चल गया। अब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का सेकेंड टेबल बनाते हैं।
तो देखिए अब ये हम लोग आगे क्या करेंगे, सेकेंड टेबल जो बना रहे हैं तो यहाँ पर वन होना चाहिए क्योंकि ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो ये जो 10 है यहाँ पर 10 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है यहाँ, तो 1 लाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी 1 है, अब इसको 0 लाना है। तो फर्स्ट कॉलम को आप वही लिख जाइए, 0 है यहाँ पर, मैं देख करके लिख रहा हूँ, 1 है, फिर माइनस 1 है, फिर माइनस 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ 0 है, ये 1, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आउट गोइंग हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। और फिर यहाँ पर है 0, अब इसको लाना है 0, तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 ही रह जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 यहाँ पर है और फिर माइनस 3 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 1 ही रहेगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 रहेगा। ये हो गया, अब हम लोग देखेंगे कि सी बी क्या है, तो सी जे पहले लिख जाते हैं, तो सी जे है क्या, 0 है, 0 है और यहाँ 8 है, माइनस 8 है, आप देख रहे हैं ये 0 है, ये 0 है, ये माइनस एम है और ये माइनस एम है, तो बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएगा आप ये पहले देख लीजिए कि बेसिक वेरिएबल जो था A1 A2 उसमें से एक रिमूव हुआ है, A1 जो है वो आउटगोइंग हो गया, A1 के बदले इनकमिंग हुआ X2 डैश, तो A1 को हटा करके हम लोग X2 डबल डैश लिखेंगे, X2 डबल डैश है और फिर यहाँ पर A2 है, तो X2 डबल डैश का कोएफिशिएंट कितना है, -8 और A2 का कोएफिशिएंट कितना है, A2 का माइनस एम है, तो जेड लिखते हैं, जेड होता है सी बी इंटू एक्स बी, तो ये सी बी और एक्स बी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा -6m। अब उसके बाद डेल्टा लिखेंगे, तो डेल्टा जे ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं उसको चेक करने के लिए डेल्टा जे निकालेंगे, तो ये अब β1 क्या हो जाएगा, जैसे ये हटा है β1 और इसके जगह ये आया है तो X2 डबल डैश ये β1 हो जाएगा और β2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो β2 ये हो गया, तो इसका डेल्टा तो निश्चित रूप से 0 ही आएगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका डेल्टा निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 और यहाँ पर +5m और उसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5m -8 और यहाँ पर आएगा ये +8 और यहाँ पर -5m, तो यहाँ 8 -5m हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 ये 0, +8 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया है, ये +8 हो जाएगा और +8 -3m, तो 8 -3m आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर 0 और ये -+m। अब देखिए इनकमिंग कौन सा होगा, तो जो मोस्ट नेगेटिव है, तो 8 -3m और 8 -5m नेगेटिव है, तो 8 -5m मोस्ट नेगेटिव है तो ये इनकमिंग होगा यानी X1 डबल डैश इनकमिंग है, तो मिनिमम रेशियो किसका निकालते हैं, XB/X1 डबल डैश जो इनकमिंग है उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव है वो नेगेटिव का रेशियो नहीं निकालते हैं, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, तो नेगेटिव अगर है तो उसका रेशियो नहीं निकालना है, पॉजिटिव का निकालना है, 0 भी रहे तो उसका नहीं निकालना है, ये 0 हो सकता है लेकिन जिसको जो इनकमिंग है उसमें 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर 6/5, तो 6/5 अब एक ही रेशियो है तो यही मिनिमम रेशियो हो गया, तो दोनों से आगे बढ़ेंगे मिनिमम रेशियो से और ये वाला इनकमिंग से, तो ये की एलिमेंट हो जाएगा और ये जो है वो आउटगोइंग होगा A2, तो A2 जो है वो अब आउटगोइंग हो गया, इसको हटाएंगे और इसके बदले यही डालेंगे, तो अब यहाँ पर जो 0-1 था यहाँ पर 0-1 आना चाहिए, तो अब फिर नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल क्या होगा जरा समझिए, तो नेक्स्ट टेबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 1 होना चाहिए तो 1 लाने के लिए हम लोग को ये 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6/5 हो जाएगा, यहाँ पर -1 यहाँ पर +1, ये 0 ये 0 यहाँ 3/5 हो जाएगा, आप देख रहे हैं 3/5 और यहाँ पर हो जाएगा -1/5, ये तो नहीं लिख रहे थे और ये भी आउट गोइंग हो गया तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, अब ये भी छोड़ देना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जब 1 आ चुका है यहाँ पर तो ये लाना है 0, तो ये 0 कैसे आएगा, अब इसी को आप मानिए, इसी को अप्लाई करना है और यहाँ पर, तो ये कैसे आएगा 0, ये 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस रो को इस रो में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 6/5, -1 को 1 में ऐड करेंगे तो 0, 1 को -1 में ऐड करेंगे 0, 0 को -1 में ऐड करेंगे -1, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1, यहाँ पर इसको ऐड करना है -1 में तो -1 + 3/5, तो -5 + 3 यानी -2/5 हो जाएगा ये, और इसको ऐड करना है 0 में
तो माइनस वन बाय फाइव हो गया। अब सी भी लिख जाइए तो बेसिक वेरिएबल पहले देख लीजिए कि बेसिक वेरिएबल कौन सा है, तो ये ए टू हटा है और ए टू के बदले एक्स वन डबल डैश आया है, तो यहाँ पर ये एक्स टू डैश डबल डैश तो रहेगा ही और ए टू हट करके यहाँ पर आ चुका है एक्स वन डबल डैश, तो ये बेसिक वेरिएबल हो गया। और इसका कोएफिशिएंट लिख जाइए तो एक्स वन डबल डैश का है जीरो और एक्स टू डबल डैश का वैल्यू है माइनस एट। अब जेड निकाल लेते हैं तो जेड बराबर होता है सी बी इंटू एक्स बी, तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48 डिवाइडेड बाय 5 आएगा और ये तो जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा जे निकाल लेते हैं कि सभी डेल्टा जे क्या होगा, तो बेसिक वेरिएबल कौन बेसिस मैट्रिक्स कौन सा बन गया, एक ये बीटा वन जो है वो तो रहेगा ही बीटा वन और बीटा टू ये था तो इसके बदले अब ये बन चुका है एक्स वन डबल डैश ये बीटा टू, तो ये दोनों का डेल्टा तो जीरो आएगा। इसका निकालना है तो सी बी को एक्स वन डैश से मल्टीप्लाई कीजिए, ये जीरो और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो ही आएगा। फिर यहाँ पर निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस एट, ये जीरो और उसमें एट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस एट हो जाएगा और यहाँ पर जीरो, माइनस एट में माइनस एट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, ये तो ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16 बाय 5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और इसमें जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बाय 5। ये सारा चीज़ जो है वो आप सिंप्लेक्स मेथड का जो टेप वीडियो है मेरे चैनल पर उसको आप जरूर देखिएगा, कि फर्स्ट वीडियो सिंप्लेक्स मेथड का देखिएगा तभी ये सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा। अगर आपके क्लियर हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बाय 5 और ये जीरो हो जाएगा, तो 8 बाय 5 में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बाय 5। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा डेल्टा जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंस ऑल डेल्टा जे, जितना भी डेल्टा जे है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो देखिए ऑप्टिमल देयरफॉर ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, तो एक्स टू डबल डैश का वैल्यू आ रहा है, एक्स टू डबल डैश का वैल्यू 6/5, ये वैल्यू हो गया एक्स टू डबल डैश का वैल्यू 6/5 और एक्स वन डबल डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स वन डबल डैश का वैल्यू 6/5 आ रहा है ये भी। और बाकी जो है ये बेसिक है, बाकी जो वेरिएबल है वो नॉन बेसिक है, तो नॉन बेसिक वेरिएबल और कौन कौन सा बच गया, एक्स वन सिंगल डैश ये जीरो हो जाएगा, नॉन बेसिक का जीरो होता है, और एक्स टू सिंगल डैश ये भी जीरो हो जाएगा। इसके अलावा और भी वेरिएबल था एक्स थ्री एक्स फोर वगैरह, तो वो सरप्लस वेरिएबल था, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन ए टू था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में वेरिएबल वही लिखना है। तो ये वेरिएबल हो गया। अब एक्स वन निकाल लेंगे तो एक्स वन कैसे निकलेगा, एक्स वन हम लोग सपोज किए थे एक्स वन डैश माइनस एक्स वन डबल डैश, तो एक्स वन डैश का वैल्यू जीरो है और एक्स वन डबल डैश का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 6/5, तो ये आ रहा है माइनस 6/5। और फिर एक्स टू निकालने के लिए एक्स टू डैश माइनस एक्स टू डबल डैश, तो एक्स टू डैश का वैल्यू है जीरो और एक्स टू डबल डैश का वैल्यू है आप देख रहे हैं 6/5, तो ये भी हो गया माइनस 6/5। तो x1 का वैल्यू माइनस 6/5, x2 का वैल्यू माइनस 6/5 और मैक्सिमम ऑफ जेड जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं माइनस 48/5, यही मैक्सिमम ऑफ जेड हो गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या था जेड का वैल्यू 8x2 था, तो 8 और x2 का क्या वैल्यू निकला हुआ, 8x2 का वैल्यू निकला हुआ माइनस 6/5, तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 48/5 यही मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिग एम मेथड ही अप्लाई किए हैं, यहाँ पर टू फेज मेथड भी अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना सजेशन ज़रूर दें कि क्या चीज़ का इम्प्रूवमेंट करना था इस वीडियो में और भी क्या आपको नहीं समझ में आया। और एक और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऑप्टिमाइजेशन का या ऑपरेशन रिसर्च का कोई और चैप्टर, सिंप्लेक्स मेथड तो मैं बता रहा हूँ, और भी अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उस चैप्टर को भी पढ़ाऊँगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।